subscribe to my channel and press the bell icon button. माय नेम इज अक्सर सईद, वेलकम टू माय एडीज किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज हम जो बना रहे हैं उसका नेम है पोटैटो एग पिज़्ज़ा। ये बहुत ही इजी है और सिंपल है। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, आप इसे हम चाय के साथ भी ले सकते हैं, शाम की चाय के साथ आप इन्हें ले सकते हैं। तो जी, हम चलते हैं अपने इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 कटी हुई हरी मिर्च, इसके साथ मैंने लिया है 1 कटा हुआ टमाटर, इसके साथ हम लेंगे 1 प्याली बंद गोभी कटिंग करके, इसके साथ मैंने ली है आधी शिमला मिर्च, मैंने सब कुछ क्यूब्स में काट लिया है, इसके साथ मैंने लिया है 1 कटा हुआ प्याज, उसके साथ हम लेंगे 1 बॉइल आलू, मैंने इसे पहले बॉइल कर लिया है, उसके साथ हम लेंगे अंडे, और उसके साथ साथ हम आधा चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच बल्कि आधे से भी थोड़ा सा कम गार्लिक पाउडर, 1 चम्मच हम लेंगे नमक, और आधा चम्मच हम लेंगे काली मिर्च। तो ये अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंडे ले लेते हैं। ये बहुत ही इजी है, स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आएगा, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। और इसके साथ हमें सब इंग्रेडिएंट्स को इसके साथ ही शामिल कर लेते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम एक पैन लेंगे। पैन ले लिया, आप नॉन स्टिक का लीजिएगा ताकि उसमें फिर अंडा लगेगा नहीं नीचे। अब हम इस पर देसी घी लगा देते हैं, आप चाहे जो भी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें ये सारा मिक्सचर डाल देते हैं। तो ये हम फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। इसे अच्छी तरह से फैला कर रख देते हैं। उसके ऊपर ढक्कन देख कर रख देते हैं। तो जी, हमारा तकरीबन हाफ तैयार हो चुका है। साइड इसकी पलट ली है, आप बहुत एहतियात से पलटिएगा टूट ना जाए। तो हम इसे फिर 5 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं,
मैं तो आप चेक कर लेते हैं। तो जी आप देख सकते हैं इसके साथ नहीं चिपक रहा, इसका मतलब कि हमारा पोटैटो एग पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। जी हमारा पोटैटो एग पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। ये बहुत ही इजी है और बहुत सिंपल है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। तो जी आप इसकी लेयर भी देख सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।